वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष कुमार। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो फिट हो गए एकदम। और दोस्तों हम लोग जाने वाले कहाँ पर, आप सबको पिछले ब्लॉग वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जा रहे हैं बैंक के नानी के घर। सभी लोग तैयार हो रहे हैं फटाफट से, तो आ जाओ भाई, चलते भाई वहाँ का व्यू आपके लिए दिखाते हैं आप सबको। फैमिली का वीडियो तो शायद मैं ना बना पाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा सब लोग सोचेंगे क्या करता है उल्टा सीधा। पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं ऐसा ब्लॉगिंग वीडियो बनाने लगा हूँ। वहाँ का व्यू मैं ज़रूर दिखाऊँगा आप सभी को दोस्तों। ऐसे मुझे भाई सपोर्ट करते रहना दोस्तों, क्योंकि मैं तो इस सफ़र में अकेला हूँ। आप सभी का सपोर्ट ज़रूरी है हमारे लिए। आप सबको पता ही होगा ना, बिना सपोर्ट के तो भाई हम लोग कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना दोस्तों। आप लोग देख सकते हो मयंक को इतना जल्दी अपने नानी के घर जाना, अपना बैग उठा के जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये बैग ले लिया और अकेले जा रहे हैं। इतना ज़्यादा खुशी अपने नानी के यहाँ जा रहे हैं भाई, ज़्यादा खुशी है उनको। रचना भी आ गई है, ये रचना बुआ लेके रखी है। ये देखो हम लोग जा रहे हैं अपने नानी के यहाँ। रचना नहीं जाएगी, रचना के लोग बुआ खिलाने आई है। चलो भाई सब लोग, चलो रचना चलो, हाँ, चलो चलो आ जाओ। चलो भाई सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे नीचे। रचना आ रही है, यहाँ तो भाई थोड़ा अंधेरा ही लगता है, नीचे आ जाओ तो लाइट जला लो, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बाइक हमारी खड़ी है, इसमें दो डिब्बे बने हुए हैं। ये हमारा बाबू को देखो, ये रचना बुआ को लेकर रखी है। ये अरुण है, सभी लोग जा रहे हैं, हम भाई जा रहे हैं। हम ये लोग देखो कब लौट के आते, अपना मेला वाला कंप्लीट करके आए। अरे देखो ये बाबू रचना को मार रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो बटन खराब हो गया ना यहाँ पे बोर्ड पर, ये बटन खराब ऑटोमेटिक है। चालू करो या ना चालू करो, ऑटोमेटिक से जलने लगता है। पंखा चला दो, चार्जर लगा दो, कुछ भी। तो ये हम ना चार्जर भी रख लेते हैं। आ गई है चाबी, ऊपर है चाबी ऊपर। देखो बाबू तो कितना खराब कैमरा यहाँ पे चल रहा है। देखो बाबू रचना को मार रही है बाबू। ये अरुण है, भैया का घर है। देखो उसका दवा क्या कर रही है, दांत तोड़ रही है क्या बाबू? रचना के दांत तोड़ रही हो का? ओमी अंदर है बुआ, ओमी अंदर है। देखो बुआ, ओमी बुआ, ओमी भी बुआ जा रहा है अपने नानी के यहाँ, ज्यादा खुश है। कहाँ हो गया यार? चाबी नहीं मिल रही है, अब अंदर रखी है। चाबी हो क्या गई? चाबी अंदर नहीं, चाबी मैं सर लेके आया था, याद नहीं है मुझे। चाबी हो क्या गई मयंक, बताओ। देखो चाबी कहाँ रखी, सुबह तो याद था मुझे, पता नहीं। चलो ऊपर देख के आते हैं, ऊपर तो रखी थी भैया चाबी, क्या हो गया, चाबी कहाँ है? चाबी मिल नहीं रहा। गेट को खोल के देखते हैं, शायद इसके अंदर हो भाई, पता नहीं आया। दो पैर में याद नहीं रहता, पता नहीं कहाँ रख देते हैं। हमारा चाबी मिल गया भाई, हम जा रहे नीचे। चाबी मिल गया भैया, चार्जर वार्जर रख लेते हैं, नहीं तो फोन चार्ज नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर 30 किलोमीटर जाना है भाई, इतना दूरी 30 किलोमीटर जाना है हम लोगों को, 1 घंटे लग जाएंगे पूरा फैमिली के साथ में। धीरे धीरे ओक रखी होगा, सब सामान रख लो, देख लो, हटाओ हाथ में। चलो भाई तुम आओ, चलो कहाँ दिख रहे, चलो भाई हम लोग आ गए हाईवे रोड पे। चलो चालू होगा,
भाई हम लोग आ गए हैं। कहाँ गए मैं? कौन सा रोड है बताओ तो, सबको बताओ कौन सा रोड है। ससुरारी। ससुरारी रोड है ये बहादुरपुर और जायस वाला रोड है भैया, ससुरारी रोड नहीं है। ऐसे बताओगे कहाँ कहाँ ससुरारी रोड है। अरे चलो कोई बात नहीं, चलो भाई आप लोग यहाँ का भी देखते रहो आप सभी लोग, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं बहादुरपुर चौराहा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है भाई, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ही रोड जाम हो रखा है। भाई आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, यहाँ पे बना हुआ है। मैं एक मोबाइल पकड़े से ऐसे दिखा नहीं पा रहे होंगे आपको, बाकी आप लोग देख सकते हो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान बना है यहाँ पे, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है। आगे है पेट्रोल टंकी, कोई आगे पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर चलते हैं। मैं इनके नानी के घर, मैं दिखा नहीं पा रहे होंगे थोड़ा सा इसे भाई, मैं तो बाइक चला रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। चलो नीचे कर लो भाई, लोग पेट्रोल डलवा लेते हैं भैया। अरे इसको अभी बंद होना था, अभी इसके पहले नहीं बंद हो सकती थी ये बाइक। भाई डलवा लेते हैं हम लोग पेट्रोल, मैंने पेट्रोल डलवा लिया। उसके पहले मैंग ने मोबाइल लेके रखा था, सभी लोग जा रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ गया है आप लोग देख सकते हो। मैंग कैसे टिकट पकड़ के रखे हैं, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रुके हैं, उनका कोई रिश्तेदार मिल गया है तो वो पीछे उतरो की है, वहाँ पे वहाँ दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, वो वहाँ पे गई हैं, वहाँ से वो लौट के आ रही हैं मुझसे हाइट से। चलते हैं भाई हम लोग फिर से। भाई आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता देना, हमारा ब्लॉग वीडियो अच्छा नहीं लगता, क्या मैं गलती करता हूँ उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, गलत सही आप लोग बता सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माता रानी का दुर्गा पूजा के लिए कितना प्यारा सेटअप किया गया है। मैं स्पीड कम करो थोड़ा सा भैया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माता रानी का दरबार कितना प्यारा सजा हुआ है, अभी सज ही रहा है देखो, बहुत ही प्यारा लगा। फाइनली मैं रुक नहीं पाया, मैं गाड़ी चला रहा, मैं गाड़ी का स्पीड कम बढ़ा दिए भाई। माता रानी का दरबार बहुत ही प्यारा सजा था यहाँ पे, आप लोगों ने देखा फिर का कहियो, चलो आ जाओ भाई हम तो खास्ता खाने जा रहे हो। बना दो भैया कैसे देते दे दियो, दो पत्ता पैक कर दे भाई, सब लोग खस्ता खाने आए हैं।
करते हो आजो भाई, सभी लोग खा लो। खस्ता रेडी है हमारा, खस्ता खा के रेडी हो गया, जा रहे हैं मैंग वैंग। सभी लोग वहाँ पे भी पानी पी रहे हैं, शायद से यहाँ पानी पी रहे हैं। हम लोगों का भी शायद से यहाँ पे 3 किलोमीटर और जाना है। हाँ शायद से 3 किलोमीटर आगे है पे हम लोगों को और जाना है और जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं मैं के नानी के घर पे दोस्तों, है ना। हो हम लोग आ चुके हैं मैं के नानी के गांव। ये हम यहाँ का है रेलवे ट्रैक, आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू। अभी यहाँ पे लगता है काम चल रहा है, ऊंचा कर दिया गया ट्रैक यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, पहले इतना ऊंचा नहीं था। नीचे का मैंग के नानी के घर भाई, आप लोग देख सकते हो ये है पूरा घर। यहाँ पे सब भैंसियाँ बांधी गई हैं, यहाँ का व्यू अच्छा लगता हो तो एक लाइक जरूर करें। यहाँ का है छोटा सा ये घर। हाँ काका ठीक है, ठीक है तुम्हारा वीडियो बनाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपको पता होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ मैंग के नानी घर। तो यहाँ पर आपकी नज़र जहाँ जाएगी वहाँ तक आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, सॉरी पेड़ तो ज़्यादा यहाँ पे दिखेंगे। और आपको अभी सुबह का टाइम सही 6:30 बज रहे हैं और खेत भी यहाँ पे आपको ज़्यादा ही दिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा पड़ जाए, ऊंचा एरिया है, यहाँ पे पानी का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज रहता है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी खेत की तरफ, देख सकते हो सुबह का टाइम है, सनराइज हो रहा है, तो इधर से सूरज निकला हुआ है। आप लोगों को बराबर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे रोशनी आ रही है थोड़ा सा। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ से बढ़िया सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकला हुआ है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ का पेड़ है और धान का खेत लगाया गया जैसा कि आप सबके यहाँ भी है। और दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देखते हो, वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर से एक बार बता देना दोस्तों। मैं तो यहाँ लखनऊ रायबरेली के बीच में रहने वाला हूँ, एक छोटे गांव से रहने वाला हूँ दोस्तों। रायबरेली पता होगा जिन लोगों को, तो अगर रायबरेली से देखते हो तो कहीं से भी देखते हो वीडियो में कॉमेंट्स ज़रूर से ज़रूर कर देना, इससे पता लगे कि हमारी ऑडियंस कहाँ से, हमारा फैमिली कहाँ तक है, हमारे प्यार करने वाले दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, आपको भजन सुनाई दे रही होगी, प्यारा गीत चल रहा है, अभी नवरात्रि का सीजन है, आप लोग सुन सकते हो। इसके वजह से मुझे दिक्कत भी हो सकती, कॉपीराइट का ज़्यादा टेंशन रहता है ना, कॉपीराइट आ जाएगा। बैकग्राउंड में शायद आप लोगों को आवाज़ सुनाई, तो मुझे तो सुनाई दे रही, आपको भी शायद से सुनाई दे ही रही होगी। तो भाई चलो आ जाओ, रात को गए थे सभी लोग रामलीला देखने, यहाँ पे होता है, लोग अपना अपना कैरेक्टर लेके रखते हैं, सीताराम का लोग करते हैं, बट मैं तो गया नहीं था, मुझे लगी थी नींद। दूसरी बात मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, नहीं वहाँ कभी आपके लिए लेके आता दोस्तों। अभी दोपहर में शायद से जाऊंगा रायबरेली, मुझे जाना है, तो वहाँ का व्यू आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, बट देखो अगर टाइम मिल जाता है तो शायद से जाऊंगा मैं, ट्राई करेंगे जाने के लिए। अभी तो मैं जा रहा हूँ फाइनली घर, और दूसरे खेत भी जाना है, यहाँ पे वहाँ का व्यू लेके आना है आप सभी के लिए, देखते हैं वहाँ का। हमारे यहाँ तो धान मतलब तैयार होने को आ गया, यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है बारिश के पानी नहीं ना होने की वजह से। मिलते हैं घर पे भाई।